हुबली स्टेशन में रेलवे थीम रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। शायद कर्नाटका का पहला है, इससे पहले नागपुर में बनाया गया है और शायद जयपुर में, तीन चार जगह है इंडिया में भी। फिलहाल कर्नाटक का पहला है। पूरा बोगी को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया जाता है, अंदर सीट्स निकाल के टेबल चेयर वगैरह लगाए जाते हैं। आज हुबली से बेंगलोर जा रहा हूँ जनशताब्दी एक्सप्रेस में, हुबली से बेंगलोर तक, जो 8 या 9 स्टेशन ले के 7 घंटे में 470 किलोमीटर कवर करती है। शताब्दी ट्रेन फास्ट ट्रेन में एक है, जिसको 2001 में शुरू किया गया था हुबली से बेंगलोर तक। और ये स्लीपर में नहीं आती है, सिर्फ सीटर में आती है, और एसी चेयर का भी होता है इसका। सुबह 6-7 बजे बेंगलोर से निकलती है, फिर 1-1.5 बजे तक हुबली आके फिर रिटर्न निकलती है 1:45 को, 8 बजे यशवंतपुर और 9 बजे तक KSR बेंगलोर पहुंच जाती है। फास्टेस्ट ट्रेन है ये, बहुत कम स्टॉपेज लेके 7 घंटे में 470 किलोमीटर कवर करती है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, 1.5 किलोमीटर का, 1500 मीटर का। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है अक्सर ट्रेन, आज देखते हैं कहाँ पे आएगी। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि 1-1.5 किलोमीटर चल के पब्लिक को आना पड़ता है मेन स्टेशन तक। ये एक अच्छी बात है कि जो चल नहीं सकते उनके लिए इलेक्ट्रिक कार या कोई, देखो अभी 0.5 किलोमीटर तो वहीं चल के आया, स्टेशन अभी बहुत दूर है, लोगों को यहीं से चल के जाना पड़ रहा है। अभी सबके दिमाग में यही आता है कि इतना लंबा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत क्या है, होती है इसकी ज़रूरत, क्योंकि स्टेशन को और चौड़ा नहीं किया जा सकता जगह ना होने की वजह से, मेन सिटी में होता है ना। अब उस तरफ रेलवे म्यूज़ियम और रेलवे कारखाना वगैरह है, तो अभी इसको लंबा ही किया जाना बेहतर है। ट्रेन में इतनी पब्लिक होती है दिखाई नहीं देता ट्रेन में बैठने के बाद ही, कितने लंबा प्लेटफॉर्म इसलिए बनाते हैं कि एक के पीछे एक ट्रेन लगाया जाए, जिससे जगह सबको मिल जाए, सब ट्रेन्स को प्लेटफॉर्म मिल जाए। प्लेटफॉर्म पे ही 1.5-1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ जाता है, जहाँ पे ट्रेन पार्क की गई होती है वहाँ से मेन बिल्डिंग तक। अभी जो आप सामने ट्रैक चेंज होता है देख रहे हैं ना, ये लंबे प्लेटफॉर्म पे 1 से ज़्यादा ट्रेन, 4 ट्रेन, 3 ट्रेन, जितने भी हो 5 ट्रेन खड़ी हो सके इसलिए बनाते हैं। वहाँ से आगे एक ट्रेन रुकी रहेगी तो भी यहाँ ये वाली ट्रेन लेफ्ट में लेफ्ट वाली ट्रैक लेके निकल सके। 1 किलोमीटर तो आ गया मैं भी चलते चलते। जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आनी होगी या जानी होगी, तो इस ट्रैक का इस्तेमाल करते हुए ट्रैक चेंज करेगी। अगर आने वाली होगी तो ऐसे आके ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, अगर जाने वाली होगी तो इसको लेके बाहर की ट्रैक लेके निकल जाएगी। ये होता है इसका सिस्टम। लो आ गई जनशताब्दी, 26 मिनट लेट आई है, 1 बजे का टाइम था आने का, 1:26 पे आई है। अभी यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, जो मैंने अभी बताया कि ट्रैक कैसे चेंज करती है। अभी यहाँ से ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी। चेयर कार, 2 AC चेयर कार के डिब्बे हैं, बाकी के पूरे नॉर्मल चेयर।
स्लीपर नहीं होता है, ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ में लिया जाता है। और टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, अगर ये लंबे प्लेटफॉर्म को मिलाएंगे तो 8 हो जाते हैं, इसमें 1, 7 और 8 किया गया है। यहाँ पे एक ट्रेन पार्क की गई है, फिर उसके आगे एक लोकोमोटिव पार्क किया गया है, फिर ये ट्रेन आ गई 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और ये जो रुकी है अभी ट्रेन, इस ये 8 पे रुकी है। अब इसको यहाँ पे लोकोमोटिव चेंज करके पीछे से आगे किया जाएगा, फिर 20 से 25 मिनट रुकेगी, फिर निकलेगी। चलिए 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और अपने अपनी सीट पे बैठते हैं। शायद टाइम बचाने के लिए ऐसे करके रखा है, एक लोकोमोटिव यहाँ पार्क रहेगा, एक वहाँ, जो ट्रेन लेके आएगा वो यहीं पे पार्क रहा जाएगा, जो यहाँ पे पार्क था वो इसको लेके निकलेगा, इससे टाइम बचेगा। 1:40 का डिपार्चर टाइम है इसका हुबली से, यहाँ से देखते हैं टाइम पे निकलती है, लेट होता है। पहले जैसा सिस्टम नहीं है अभी यहाँ पे, पहले क्या होता था लोगों को इन बोगी से लगा के खुद जाके मैनुअली अटैच करना पड़ जाता था, अभी ऐसे इसको उसको टच कर दिया तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है सारा। मुझे D1 में मिला है, साला बीच का मिला है मिडल, इसमें फिर वाटर बॉटल के लिए जगह, फिर पॉकेट में कुछ रखने के लिए जगह, सभी दिया हुआ है। और आधे आधे डिब्बे में उस डायरेक्शन में सीट है, आधे डब्बे में इस डायरेक्शन में सीट है, और बीच में डाइनिंग टेबल के टाइप टेबल भी लगाया गया है दोनों सीट के बीच में, वो मिल जाता तो बहुत अच्छा होगा। क्या करें, अभी विंडो सीट तक नहीं मिली है। अभी पूरे ट्रेन को क्लीन किया जा रहा है, 10 से 15 मिनट में सब क्लीन करके निकलना है। विंडो सीट तक नहीं मिली तो ये अभी डोर में ठहर के वीडियो शूटिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से डाइनिंग टेबल होता है बीच में, ये सीट मिल जाती है और विंडो सीट के साथ साथ तो मज़ा आ जाता। चलिए डिपार्चर के टाइम मिलते हैं। सफ़र में कुछ ज़्यादा ही थकान हो जाती है तो मसाज के लिए यहाँ पे रिलैक्स जोन बनाया गया है, तो मसाज कर देगी सीट, आओ और घोड़े बेच के सो जाओ। निकलते निकलते 156-157 हो गए, 20 मिनट लेट से निकली है, आई भी लेट थी, देखते हैं कितना लेट पहुंचती है बेंगलोर। मैं तो वैसे यशवंतपुर तक ही जा रहा हूँ, वो जो उधर प्लेटफॉर्म पे खड़ी है मैसूर से अजमेर जाती है, मैसूर अजमेर।
खुली गदग हाईवे है। उसको थोड़े दिन पहले ऐसा फोर वे किया गया है। होटल पे रोक दिया है, साइड ट्रैक का काम चल रहा है इसलिए रोक दिया। फर्स्ट स्टॉप हावेरी, हावेरी से 3 किलोमीटर पहले आई थी रुका है, 1 घंटे लेट पहुँचा है। यहाँ पे शर्ट टाइमिंग 2:40 का था, 3:30 से ज़्यादा हो गया। फर्स्ट स्टॉप हावेरी पे, एकदम बहुत छोटा सा स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इतना छोटा स्टेशन पहली बार देखा है। 1 घंटा लेट पहुंची है यहाँ पे गाड़ी, देखते हैं बेंगलोर टाइम कवर करती है या वहाँ पे भी लेट जाएगी। रानीबंडूर सेकेंड स्टॉप, यहाँ पे भी 1 घंटे देरी से पहुँची है। थर्ड स्टॉप हरियर आया है, अब इसके आगे दावन गिरा है। Thank you.
दावणगेरे को भी एक घंटा लेट आई है, कंटिन्यू एक घंटा लेट ही चल रही है गाड़ी। अब नहीं लगता कि टाइम कवर पर कर पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा कवर कर पाएगी। देरी से आ गए यशवंतपुर, 8:15 का टाइम था, 9:15 हो गया आते आते। बीच में तो डेढ़ घंटा लेट हो गई थी, आधा घंटा कवर कर लिया, एक घंटा लेट है। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं।